अब बात सनातन पर मचे संग्राम की और सवाल ये कि क्या हिंदू बनाम मुस्लिम में जानबूझकर फंसाए गए हैं बागेश्वर सरकार। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मचे घमासान के बीच भगवान राम के अपमान ने एक बार फिर से देश के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। यूपी से कर्नाटक तक कहीं रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया जा रहा है तो कहीं हिंदुओं के आराध्य भगवान राम पर ही बेहद अभद्र बयानबाजी की गई है। सवाल यह है कि सनातन के विरोध का नैरेटिव किसके इशारे पर और क्यों सेट किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। श्री बागेश्वर धाम सरकार की बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, खोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनकी ठठरी हम बारत रहे, आज फिर बार रहे, जब तक जिएंगे ठठरी बारेंगे। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। कहीं बागेश्वर सरकार के दिव्य चमत्कार को नमस्कार है तो कहीं तीखे सवाल और तिरस्कार। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं? यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया। पूरे देश में एक महाभारत से जुड़ी है। कहीं लड़ाई अंधविश्वास बनाम अखंड सौभाग्य की है, कहीं दिव्य शक्ति बनाम जादू टोने की साजिश की है, तो कहीं सनातन बनाम गैर सनातन की। शास्त्री, आप घर वापसी आप कराए हैं, तब से आपके पीछे ईसाई मिशनरियां और इस्लामिक संगठन लग गए हैं। मैं पूछ रहा हूं, तमाम जो है मुल्ला मौलवी जो है झाड़ फूंक कर रहे हैं, तमाम ये मजार बना रहे हैं, जबकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है तो क्यों मजार की पूजा हो रही है? इस्लाम में क्यों भूत प्रेत झाड़ा जा रहा है, उसको तो कोई पाखंडी नहीं बता रहा है। ऐसे ही बाबा, और ऐसे बाबा को कंप्लीट रूप से रोल देने की जरूरत है। बिना देर किए जो समाज में गलत फहमी पैदा किया जा रहा है और जो बड़े बड़े नेता इसके यहाँ जा रहे हैं, उनको रोकना चाहिए, ये सही नहीं है। कुल मिलाकर सबकी जुबान पर एक ही सवाल है, पर्ची वाले बाबा की पहेली का पूरा सच क्या है? लेकिन इन चर्चाओं के बीच बागेश्वर सरकार और उनके भक्त अपने दिव्य दरबार में रमे हुए हैं। रायपुर में बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ रही है। इस कथा का समापन 23 जनवरी को होगा। इस बीच रायपुर से आया ये वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें इस मुस्लिम युवती ने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मंच से मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे तीन भाई हैं, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है सात फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का और पूरे 16 सिंगार का। जिस सुल्ताना नाम की लड़की ने कल इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया, आज उसका नामकरण किया गया। अब सुल्ताना शुभी के नाम से जानी जाएगी। राखी बंधवाकर धीरेन्द्र शास्त्री ने शुभी को अपनी बहन स्वीकार किया है। और अब जो है यहाँ पे देखिए, उन्होंने राखी बंधवाई और राखी बंधवाने के बाद अपना भाई जो है, अपनी भाई को इन्होंने राखी बांधा, गिफ्ट भी मिला है। देखिए अब वो आगे की तरफ आ रही हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिर वो कितने खुश हैं कि और यहाँ पे आई हैं। बहुत खुशी है जिनको, मतलब पूरी दुनिया जिनके ऊपर खुद बालाजी का वो है आशीर्वाद है, वो आज मेरे भैया बन गए। किसी को उनके चरण छूने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उनको टीका लगाया। मेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं। नया नाम कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं
सवाल यही है कि क्या सुल्ताना से शुभी बनना ही धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा? क्या विरोधी धीरेन्द्र शास्त्री पर इसलिए हमला बोल रहे हैं? कम से कम वो तो यही आरोप लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर अब संत समाज भी बढ़ गया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस विवाद में अब कांग्रेस भी कूद गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र शास्त्री के घर वापसी वाले अभियान पर तंज कसा है। तो जो लोग धर्म बचाने के ठेका लेते हैं वो धोखे में। धर्मांतरण है, घर वापसी की अच्छी बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वो उसे किस वर्ण में रखे हैं। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? हमारे गुरु का ईमान साफ है तो ये तूफान क्या करेगा? और गुरु के साथ पूरी पब्लिक है तो बंदा क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में सिर्फ हिंदू भक्त आते हैं, कई मुस्लिम भी बागेश्वर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, जिनकी समस्या सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चा है मेरे पास, लड़का, उसको आधी जवान कट चुकी है उसकी, इधर के टाँगे पूरे खुल गए जाते हैं। आपके बालक को कैंसर नामक रोग बना, जीवा गाल में फैल गया, गांठ बनी थी, छाला बना था। 2017 से बीमार है, आराम लगेगा, आशीर्वाद। एकदम सही, जाओ खुश रहो। एक मंत्र लिख दिया खान साहब, उसे आपको करना है। देसी गाय का गोमूत्र लेना है 100 ग्राम, उसमें 2 खड़ी हल्दी की गांठें पीस के डाल लें, 40 दिन तक पिलाओ। ये क्या लिखा है? ब्रेन दिक्कत के कारण सुन्नपन बना है, ऑपरेशन हुआ, घर में मुसलमानी चौकी रखी गई है, एक अंग पूरा सुन्न है, काम सफल नहीं होता, दवा काम नहीं कर रही है, वाणी हकलाती है, बोलते तो हैं पर हकलाती है। मुसलमान क्रिया का प्रयोग करवाया गया है 2016 में, वो तुम्हें भी पता है, मुसलमानी क्रिया का, कट धाम से जाएगा आशीर्वाद। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि वो कभी भी चमत्कार का दावा नहीं करते। जब से विवाद शुरू हुआ है तब से वो कई बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं। वो खुद अपने भक्तों को अंधविश्वास से दूर रहने की नसीहत देते हैं। हाँ, वो ये जरूर कहते हैं कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो भगवान के पास ही जाता है। एक संत का आशीर्वाद लेने के लिए और एक ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए वही लोग जाते हैं जो संसार से हार जाते हैं। निराश लोग ही जाते हैं, जो डॉक्टर को भी दिखवा लेते हैं, पुल को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा लेते हैं, उनका काम नहीं होता है, तब वो प्रभु की शरण में जाते हैं। क्या प्रभु एकमात्र आप ही सहारा हो? सवाल यही है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री को सनातनी विरोधियों ने जानबूझकर निशाने पर लिया है? क्योंकि आज धीरेन्द्र शास्त्री में समाज के हर एक वर्ग को पाखंडी नजर आ रहा है, जिसमें सियासतदानों से लेकर साधु संत तक शामिल है। धीरेन्द्र शास्त्री को साधु समाज से भी नए चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करें। चोला माटी के है राम, एकर का भरोसा। बागेश्वर धाम पर सिर्फ संत समाज ही नहीं बटा है, तमाम सियासी दल भी विवादों की इस बहती गंगा में हाथ धोने कूद पड़े हैं। एक तरह से ये पूरा मामला अंधविश्वास और जादू टोने से शिफ्ट होकर सनातन बनाम गैर सनातन की ओर जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो एक कदम आगे बढ़कर हर हिंदू घर में रखी जाने वाली तुलसी रामायण को ही प्रतिबंधित करने की मांग कर दी है। यानी
समस्त गुणों से हीन अगर ब्राह्मण है, विप्र है, तो उसका सम्मान करो। लेकिन पूजहिन शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, ज्ञान कितना भी गुणी क्यों न हो, ज्ञान में कितना भी प्रवीण दक्ष विद्वान क्यों न हो, लेकिन अगर शूद्र है तो उसका सम्मान मत करो। यही धर्म है। अगर ये धर्म है, अगर यही धर्म है, तो हम इसका बाइकाट करते हैं। और यह धर्म वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुलसीदास ने बाल कांड में स्वयं स्वीकारा है कि स्वांता सुखा है, हम इसकी रचना कर रहे हैं। तो जो स्वांता सुखा है किताब लिखी गई है, वो धर्म कैसे हो गया? अब समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उस चरित्र में उनसे यही अपेक्षा की जा सकती है। समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय हमारे धार्मिक प्रतीकों का अपमान, हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले, आतंकवादी हमले और हमलों में सरकार का संरक्षण, हमलावरों के साथ सरकार का, समाजवादी पार्टी की सरकार का खड़े रहना, अयोध्या में निहत्ते कार सेवकों पर जिस प्रकार से गोली चलवाना, ये समाज विरोधी जो उनकी गतिविधि है समाजवादी पार्टी की, उससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। आप एसपी नेता के इस बयान को एक पल के लिए वोटों के तुष्टिकरण वाला बयान मान सकते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना सबसे आसान हो चुका है? क्योंकि मौर्य तो सिर्फ रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक के लेखक के एस भगवान तो इससे कई कदम आगे चले गए। उनका बयान भी सुनिए। सीते जो थे सीतमादाय बाहुभ्याम मधु मैरेयकम, ಸೀತೆಗೂ ಮಧು ಮೈರೇಕೆಂಬ ಹೆಂಡವನ್ನ ಕುಡಿಸಿ ಶಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಚಿದೇವಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಇವನು ಕುಡಿತಿದ್ದ ಅಂತ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೌದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸುನಾ ಆಪ್ನೆ. ಐಸೆ ಮೇ ಸವಾಲ್ ಉಠ್ನಾ ಲಾಜ್ಮಿ ಹೇ ಕಿ ಆಖಿರ್ ಹರ್ ಬಾರ್ ಸನಾತನ್ ಕೋ ಹಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕ್ಯೂ ಕಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ? ಕ್ಯಾ ಐಸೆ ಬಯಾನ್ किसी दूसरे धर्म के देवी देवताओं के लिए दिया जा सकता है? सवाल यह भी है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर कथित सेक्युलर नेताओं को साफ क्यों सूंघ जाता है? सवाल यह भी है कि आखिर किसके इशारे पर राम का बार बार अपमान किया जाता है? भगवान क्या कहते हैं, किस आधार पे कहते हैं, क्योंकि सनातन का कोई विरोध करेगा तो